अभी अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यह ब्रेकिंग न्यूज क्या है यह आपको अपडेट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी इधर मुंगेर में पुलिस के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया उस मामले को अभी ठंडा भी नहीं हुआ, और इधर भागलपुर में एक और कारनामा कर दिखाई ये पुलिस ने। इस वीडियो को पूरे विस्तार में सुनिए और आगे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। नौगछिया पुलिस जिले के बीरपुर थाना की पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बीते शनिवार को पुलिस ने थाना क्षेत्र के मरवा गांव के मूल निवासी और बूढ़ानाथ भागलपुर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशुतोष पाठक उर्फ अप्पू 30 वर्ष जिनका उम्र है, इनको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। घटना के विरोध में मरवा और अन्य कई गांवों के लोग आक्रोश में हैं, और रविवार को दिन के 12 बजे लोगों ने युवक का शव मरवा के महंत स्थान चौक पर रख दिया और सड़क पर टायरों में आग लगाकर NH 31 को जाम कर दिया। पुलिस पर सीधा आरोप यहां के ग्रामवासी लगा रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी जो कि मुंगेर से खबर आई थी, बड़ी दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर जो आरोप लगाया वो बेहद घिनौना है, और यहां दूसरी बार फिर से भागलपुर में यह घटना दोहराया गया। आखिर क्या चाहती है पुलिस? अगर कोई रक्षक भक्षक बन जाए तो इसमें आम जनता क्या करे? इसी दौरान बीरपुर में लोग थाना अध्यक्ष सहित 4 पुलिस कर्मियों पर उसकी इरादतन हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग के उपायुक्त के आदेश पर आरोपित दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। इसकी पुष्टि DM प्रणब कुमार ने भी की है। इधर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। नौगछिया पुलिस ने दारोगा रंजीत कुमार को फरार घोषित कर दिया है, और पुलिस की टीम दारोगा रंजीत कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार में कुछ इसी तरह का रक्षक का भक्षक बनने जा रही है, जिसको लेकर के आम जनता से हमारा विनती है कि आप लोग एकजुट बनाए रखें और इस तरह का कोई भी घटना हो तो उसमें कड़ा से विरोध करें। आगे भी आपको हम इस तरह के तमाम लेटेस्ट खबर से अपडेट करते रहेंगे, और हमारा न्यूज चैनल आपके साथ रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें।